नमस्कार दोस्तों, मैं एरियल न्यूज चैनल शशपा। बीजेपी बंगाल के अंदर जो एक बड़ा चुनावी चेहरा देख रही थी, लगता है बीजेपी की अब ये कमी पूरी हो चुकी है। जी दोस्तों, बीजेपी के अंदर मिथुन चक्रवर्ती ने एंट्री कर ली है। बीजेपी में एक प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ये कहा है कि मैं ही कोबरा हूँ। उसकी एक वीडियो भी आई है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे, मैं आपको वीडियो बताते हैं। अमी जल ढोड़ाओ नोई बेले बोड़ाओ नोई अमी एकटा कोबरा गोखड़ो अमी আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বড়াও নই আমি জাত গোখড়ো এক ছো বলে। দোস্তো জানতে বিস্তার সে বাত কো আখির মিথুন চক্রবর্তী নে বিজেপি মে কিউ এন্ট্রি করি ইয়া ফির বিজেপি নে মিথুন চক্রবর্তী কো হি কিউ লিয়া বিস্তার সে জানতে পুরি খবর কো ইসলিয়ে ভিডিও কে এন্ড তক জরুর বনে রহি। তো দোস্তো আইয়ে জানতে বিস্তার সে পুরি খবর কো আখির পশ্চিম বঙ্গাল চুনাব মে মিথুন কো হি কিউ লিয়া বিজেপি নে क्या था बीजेपी का इसमें फायदा, तो जानते पूरी खबर को दोस्तों मैं बता दूं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिल्म जगत के कलाकारों की आमद कोई नई बात नहीं है। मनमोहन सेन, बाबुल सुप्रियो के अलावा करीब एक दर्जन के नाम जो सीधे तौर पर बंगाल की सियासत में मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, फहरिस्त में नाम रहा है। मिथुन चक्रवर्ती जो आगामी चुनाव में के मद्देनजर पूरे जोश के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहले से बंगाल की राजनीति में रहा एंटरटेनमेंट दुनिया का यह नाम बेहद खास है। और अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इससे फ़ायदा किस तरह उठाने वाली है। बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा में पूरे ड्रामे के साथ मिथुन ने बॉलीवुड किस्म के डायलॉग के साथ धमाकेदार एंट्री की। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में एन पहले बंगाल भाजपा में मिथुन का पार्टी का खास चेहरा बनाकर एक भूमिका तैयार की। अब दोस्तों जानते हैं कि मिथुन और भाजपा की सियासत के सुर कैसे मेल खा रह सकते हैं। जैसे दहाड़ नहीं बल्कि फुफकार के साथ मिथुन ने राजनीति में अपनी नई पारी शुरू की। उन्होंने भाजपा के झंडे के साथ रैली में हिस्सा लिया और कहा, मैं कोई मामूली सांप नहीं बल्कि खतरनाक कोबरा हूँ, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगेगा। इससे अपने इस डायलॉग पर ताले बजवा लेने वाले मिथुन के डायलॉग पहले भी बंगाल संसद में सुने जा चुके हैं। मिथुन ने इस रैली में खुद को कहा कि इतना मारूंगा कि तुम्हारी लाश दफन हो जाएगी। उनके डायलॉग राजनीति में पुराने हो गए हैं और इस बारे में नए मकसद के साथ भाजपा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। एट फ्रंट की ही सत्ता के समय मिथुन ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया था और TMC के टिकट पर 2014 में राज्यसभा पहुंचे थे। मिथुन शारदा घोटाले में मिथुन का नाम आया था, तब 2 साल के बाद ही उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राज्यसभा छोड़ दी थी। अब मिथुन कह रहे हैं कि TMC के साथ जुड़ना उनका गलत फैसला था और उनकी तरह सभी पुराने बातें भूल जाएं। भाजपा में गरीबों की मदद के लिए आने का दावा कर रहे हैं। असल में इस बार बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ सब प्रतिद्वंदी भाजपा बन गई है। TMC ने एक तरफ ममता को बंगाल की बेटी बेटी के तौर पर प्रचारित किया है, तो भाजपा ने बाहरी पार्टी करार दिया है। इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की राजनीति के बीच भाजपा ने मिथुन को बंगाल का बेटा कहकर दाव खेला है। तो दोस्तों अभी तक की ये जानकारी, अगर कोई भी जानकारी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर